छिंदवाड़ा आए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी क्षेत्रीय किसानों से जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। पिछले एक साल से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह सिरसा ने छिंदवाड़ा पहुंचकर कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, पूरे देश के किसान कृषि कानून को वापस लेने पर ही मानेंगे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार के साथ किसानों की 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों के केवल संशोधन पर अड़ने की वजह से यह सफल नहीं हो सकी। किसान पूरी तरह कृषि कानूनों को वापस लेने के पक्ष में है, इसके बिना कॉर्पोरेट घराने पूरी तरह कृषि को अपने कब्जे में ले लेंगे और इसका असर खाद्य पदार्थों की महंगाई के रूप में सामने आएगा। छिंदवाड़ा में अपनी गांवों की यात्रा का उल्लेख करते हुए सिरसा ने कहा कि यहां के किसान मक्का के समर्थन मूल्य के अभाव में फसल अत्यंत कम बाजार मूल्य पर बेचने पर मजबूर है, जबकि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 1,870 रुपए प्रति क्विंटल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। राजसत्ता उन्हें यह मूल्य दिलाने में विफल रही है। किसान आंदोलन का उद्देश्य इसी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा पर केंद्रित था, लेकिन किसानों के मिल रहे समर्थन से यह अब देश की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी हो गया है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा की किसान संघर्ष समिति और किसानों ने उन्हें भरपूर मदद का भरोसा दिलाया है। पत्रकारों ने यह सवाल उठाया कि पंजाब हरियाणा के मुकाबले देश के दूसरे राज्यों के किसान कम रकबा वाले और गरीब हैं, वे किस तरह किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। इस पर सिरसा ने जवाब दिया कि किसान छोटी छोटी बचत कर राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली पहुंच सकता है और आंदोलनकारी किसानों के हाथ मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों का जमीर जगाने की जरूरत है, तभी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इसके लिए वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस अवसर पर किसान संघर्ष समिति की नेत्री आराधना भार्गव, गगन चौधरी समेत अन्य किसान उपस्थित हुए। इस आंदोलन के बारे में कम जानकारी है उनको बताया जाए और इस आंदोलन में जो दिल्ली के बॉर्डरों पर हम बैठे वहां ला जाए, इसलिए आपको पता है कि 30 सितंबर को हमारे जो संघर्ष हमने शुरू किया था, पंजाब से शुरू किया था, जो केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि विरोधी कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने के लिए, MSP की पूरे देश के किसानों की फसल खरीदने की गारंटी लेने के लिए, और जो बिजली शोध बिल 2020 था उसको रद्द कराने के लिए, इसी तरह एक पराली के संबंध में कानून था उसको रद्द कराने के लिए, हमने 1 अक्टूबर 2020 को पंजाब की रेलवे ट्रैकों पर संघर्ष शुरू कर दिया। छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर चक्रवार की रिपोर्ट।